To my बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री और इसमें बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज एन एन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो बच्चो अब हमें चेक करना है कि कौन से सोल्यूशन कौन सी इक्वेजन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन हमें दिए हैं कौन सा कौन, किसकी वैल्यू कंसिस्टेंट आती है और किसकी इन कंसिस्टेंट आती है तो अब चेक करते हैं हम ओके तो इसके लिए मैंने इक्वेजन्स लिखी हैं यहाँ पे हमें इक्वेजन गिवन है क्या क्या दिया है फर्स्ट इक्वेजन है थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई टू सेवन ये सेकेंड अब सबसे पहले रेशियोज़ को कंपेयर करने के लिए हमें इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सभी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड में अरेंज करना पड़ता है राइट right साइड में ज़ीरो चाहिए होता है सो so, इसको अरेंज करते हैं पहले थ्री एक्स प्लस टू वाई राइट साइड से प्लस का फाइव लेफ्ट में माइनस और इक्वल्स टू ज़ीरो और वैसे ही दूसरी इक्वेजन है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस का सेवन आकर लेफ्ट में माइनस का इक्वल्स टू जीरो ओके अब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे नाउ हम लिख लेंगे ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू तो ए क्या है बच्चों इसमें थ्री ए वन और ए टू क्या है टू ओके बी वन अपॉन बी टू फिर वाई का कोफिशंट यहाँ टू है फर्स्ट वाली इक्वेजन में और सेकेंड में माइनस थ्री ओके और वैसे ही C1 वन अपॉन सी टू यहाँ है माइनस फाइव और यहाँ है माइनस सेवन ओके सो ये है हमारे पास तीन रेशियोज़ अब हम देखेंगे कौन को इक्वल है ये नहीं कटता है ये भी नहीं कटता है और ये भी नहीं कटते हैं तो इसका मतलब तीनों ही रेशियो इक्वल नहीं है सो so, दे हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू एज़ not equals to b1 upon b2 and also not equals to c1 upon c2. वन अपॉन सी ओके बच्चो अब हमारे पास तीनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम पहले फर्स्ट टू वैल्यूज को कंसीडर करेंगे ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू अगर ये वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं है तो जैसे हमारे पास पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस आती थी वैसे ही अब इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट ये लाइन्स और पेयर्स कैसे हैं कंसिस्ट कर रहे हैं ये कंसिस्टेंट है ये तो इनको कंसिस्टेंट लिख सकते हैं सो हम लिख सकते हैं देयर फॉर द पेयर ऑफ लाइंस आर क्या पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो हमारे पास कंसिस्टेंट है ये कंसिस्ट कर रही हैं ओके okay. ये हो गया फर्स्ट सोल्यूशन और ये आपने कंसिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट भी लर्न करके रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है इसमें ओके okay. नाव अब है सेकेंड और सेकेंड उक्वेजन है बच्चों हमारे पास टू एक्स क्या क्या गिवन टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू एट एंड फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल्स टू नाइन ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड में नहीं है इनको हमें स्टैंडर्ड में अरेंज करना पड़ेगा सो टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इक्ल्स टू जीरो और सेकेंड फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन एकवल्स टू ज़ीरो ओके ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज अब रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे सो so, नाउ अब हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास ए वन अपॉन ए टू ए वन है हमारे पास टू और ए टू है फोर बी वन अपॉन बी टू बी वन है हमारे पास माइनस थ्री और बी टू है माइनस सिक्स सी वन अपॉन सी टू सी वन है माइनस एट और c2 है माइनस नाइन ओके अब देखते हैं बच्चों क्या क्या है कौन कौन कैंसिल हो रहा है टू वन झा टू टू माइनस से माइनस कट गया थ्री वन झा थ्री टू जा और ये सी वन वाली और सी टू वाली वैल्यू नहीं कटती है सो so, हमारे पास क्या क्या आगे रेशियो ए वन अपॉन ए टू हमारे पास है वन अपॉन टू बी वन अपॉन बी टू है वन अपॉन टू एंड सी वन अपॉन सी टू है माइनस एट अपॉन माइनस नाइन तो दैट मीन्स ए वन और ए टू की वैल्यू हमारे पास बी वन बी टू की इक्वल है सो so, दे क्या बना हमारे पास रेशियो ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू तो जब ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू जो है वो आपस में वैल्यूज इक्वल होती हैं बच्चों तो हमारे पास ये जो लाइंस होती हैं पेयर्स ऑफ लाइंस जो हमें दिया है इनके ये जो होती हैं ये इनकंसिस्टेंट होती हैं तो अब इनका सोल्यूशन इनकन्सिस्टेंट होता है तो हम लिख सकते हैं देर फोर द पेयर्स पेयर्स द पेयर ऑफ लाइन्स आर कैसी हैं ये द पेयर ऑफ लाइन्स एक ही पेयर है बच्चों हमारे पास पेयर ऑफ लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट इन लग जाएगा बच्चों इसमें ओके मतलब ये कंसिस्ट नहीं है इनकी सही वैल्यू नहीं है इनकसिस्टेंट ओके ना अब आता है थर्ड और थर्ड में हमें क्या बोला है थर्ड वाली इक्वेजन्स को देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है थ्री अपॉन टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री वाई इक्वल्स टू सेवन एंड नाइन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल्स टू फोर्टीन ओके ये हमारे पास दो क्वेश्चन दिए दो दी दिए सॉरी अब इनको देखते हैं हम इनमें भी ए वन ए टू जो है चेक करते हैं ए वन अपॉन ए टू ओके बच्चों ए वन क्या है सॉरी अभी पहले इनको स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा ओके तो स्टैंडर्ड में अरेंज करने के लिए थ्री अपॉन टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री वाई माइनस सेवन एक टू जीरो और सेकेंड वाली है नाइन एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो अब रेशियो को कंपेयर करते हैं बच्चों सो ए वन अपॉन ए टू को देखते हैं पहले ए वन ए वन है हमारे पास थ्री अपॉन टू और ए टू है हमारे पास नाइन तो नाइन को बच्चों यहीं पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके ये ध्यान देना जब आपके पास एक एक की वैल्यू फ्रैक्शन में और दूसरा वाला सिंगल है तो आप उस वो डिनोमिनेटर के पास ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी वन अपॉन बी टू फाइव अपॉन थ्री ए है और बी टू क्या है माइनस टेन तो इसको भी यहां लिख लेंगे एंड सी वन अपॉन सी टू माइनस सेवन एंड माइनस फोर्टीन ओके सो अब देखते हैं कैंसिल करके कौन कौन कैंसिल होता है थ्री वन सा थ्री थ्री झा फाइव वन साइव टू झा और माइनस से माइनस सेवन वन ज़ा सेवन टू झा ओके तो देखो बच्चों हमारे पास एवन अपॉन ए टू क्या है वन अपॉन थ्री बी वन अपॉन बी टू वन अपॉन माइनस सिक्स नहीं सिक्स आएगा यहाँ भी लिख ही लेते हैं एवन अपॉन ए टू इक्वल्स टू वन और थ्री टू जा अपॉन में बच गया सिक्स बी वन अपॉन बी टू यहाँ पे ऊपर वन बचा न्यूमिरेटर में और नीचे यहाँ माइनस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस थ्री टू जिक्स ओके और सी वन अपॉन सी टू वन अपॉइन्ट टू अब हमारे पास तीनों ही वैल्यूज इक्वल नहीं है इसकी वैल्यू वन अपॉइंट सिक्स है इसकी वन अपॉन, अपॉन, अपॉन माइनस सिक्स है वैल्यू देखने में तो इक्वल लग रही है बच्चों सिक्स सिक्स है लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस से सेपरेट है ये वैल्यू अलग है वन अपॉइन्ट टू सो हम लिख सकते हैं देव फोर ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू एंड ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू ओके तो देखो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू इक्वल नहीं है तो लाइन्स कैसी हैं द पेयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट कंसिस्ट कर रही है देयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट ओके okay. ये था हमारा थर्ड सॉल्यूशन इसके बाद आता है बच्चों सॉल्यूशन नंबर फोर और फोर में हमारे पास इक्वेजन है फोर्थ वाली इक्वेजन है बच्चों फाइव एक्स फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू इलेवन एंड माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी टू फिर स्टैंडर्ड में अरेंज करनी पड़ती है हमें फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस इलेवन इक्वल्स टू ज़ीरो और टेन एक्स सॉरी माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस का ट्वेंटी टू राइट साइड में लेफ्ट में आकर प्लस का हो जाएगा प्लस ट्वेंटी टू इक्वल्स टू ज़ीरो रेशियोज को कंपेयर करेंगे नाउ ए वन अपॉन ए टू ओके ए वन है फाइव और ए टू है माइनस टेन बी वन अपॉन बी टू बी वन है माइनस थ्री और बी टू है सिक्स सी वन अपॉन सी टू सी वन है माइनस इलेवन और सी टू है ट्वेंटी टू चेक करते कैंसिल करके फाइव टू जा थ्री टू जा और इलेवन टू जा ओके नाउ क्या किया गया हमारे पास ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन माइनस टू बी वन अपॉन बी टू माइनस वन अपॉन टू एंड सी वन अपॉन सी टू ऑल्सो माइनस वन अपॉन टू ओके बच्चों तो इसका ये जो यहाँ जिसके डिनोमिनेटर में माइनस है ये माइनस न्यूमिनेटर में चला जाता है और ये टर्म भी हमारे पास माइनस की है तो तीनों ही वैल्यूज हमारे पास क्या है इक्वल है दे लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू सो अब कैसा सोल्यूशन हो गया बच्चों इनकन्सिस्टेंट क्योंकि तीनों ही इक्वल है नहीं तीनों इक्वल है बच्चों इसलिए कंसिस्टेंट होगा याद रखना जब दो इक्वल होती हैं, तीसरी नहीं होती है तब इनकंसिस्टेंट है लेकिन अगर तीनों ही वैल्यूज इक्वल आती हैं, और हमारा को इंसिडेंट सोल्यूशन होता है तो ये कंसिस्टेंट होता है तो हम लिख सकते हैं देर फोर द पेयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्ट कर रही हैं कंसिस्टेंट आ गया ओके okay. अब आता है हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ सोल्यूशन फिफ्थ पार्ट है इसका इसके सोल्यूशन भी चेक करते हैं फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्ल्स टू जीरो एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस का ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो फिर रेशियोस कंपेयर करते हैं ए वन अपॉन ए टू क्या है ए वन है फोर अपॉन थ्री और ए टू है टू तो मल्टीप्लाई इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ बी वन अपॉन बी टू टू अपॉन माइनस थ्री एंड सी वन अपॉन सी टू माइनस एट अपॉन माइनस ट्वेल्व ओके चेक करते हैं कौन कौन कैंसिल हो रहा है टू वन जा टू टू ज़ा ओके नाओ ये भी नहीं होते हैं और यहाँ साइन फोर टू जा फोर थ्री जा ओके सो बच्चो अब हमारे पास क्या क्या है देखो ए वन अपॉन ए टू है हमारे पास टू अपॉन थ्री और दोनों प्लस के हैं बी वन अपॉन बी टू है हमारे पास माइनस टू अपॉन थ्री डिनोमिनेटर का साइन न्योमिनेटर में चला जाएगा ओके एंड सी वन अपॉन सी टू टू अपॉन थ्री तो इसका मतलब है हमारे पास देअ फोर ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बच्चो वैल्यू तो सेम है टू upon थ्री टू upon थ्री लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इसलिए एक प्लस है एक माइनस है तो वैल्यूज अलग हैं ओके एंड और क्या है सी वन सी वन अपॉन सी टू भी इक्वल नहीं है नॉट क्योंकि ये प्लस की है सो दे फोर जब नॉट है हम दो को कंसीडर कर रहे हैं ये दोनों ही इक्वल नहीं है सो दे फोर the pair of lines, the pair of lines, linear equations bhi likh sakte ho aap inko the pair of lines are consistent consist करेंगी ये भी okay pair of linear equations भी लिख सकते हो बच्चों आप पेयर्स ऑफ लाइंस भी लिख सकते हो लीनियर इक्वेशंस लिखना है आपको क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशंस बोला है आप वो भी लिख सकते हो okay. तो ओके ऐसे लिख सकते हो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट सब में जहां-जहां आया है वहां इस तरह से लिख सकते हो आप ओके आई होप आपको ये सारे सोल्यूशन समझ आ गए बच्चों समझ आ गए हैं तो प्रैक्टिस करना और सोल्यूशंस को लर्न करना थैंक यू सो मच